गुड मॉर्निंग। रात के 9 बज गए हैं और मेरी तरफ से सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक। कल ईद है और हर कोई एक्साइटेड है, तैयारी कर रहे हैं अभी से, तो हम भी तैयारी कर रहे हैं। क्या ले गया? लेज है। और आसिम भी इस साइड से आ रहा है। आप क्या ले गया? ये देखिए हजार बंद अपने लिए नाड़ा उठाया हुआ है, और हजार बंद जिसे हम कहते हैं हजार बंद, और फ्योर एंड लवली ये भी आप लगाते हो माशाल्लाह। तहरीम लेज उठा के आ गई हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, चादरें डाली जा रही हैं बेड पर नई वाली। कल जो है वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तो इसीलिए जो है अभी से तैयारियाँ की जा रही हैं माशाल्लाह। अच्छी लग रही है, कस्टर्ड बना के रख दिया गया है ताकि कल ये वाली मेहनत जो है वो ना करनी पड़े, और वैसे कल तक ये ठंडा भी हो जाएगा इसलिए बनाया है। और ना मैंने मसाला वगैरह भी सारा मंगा भी इसलिए बना के रखे कि हमारी जो औरतें ना वो बिजी रहती हैं इसी कुकिंग में, और मैं ईद मेरी पहली ईद है तो मैं चाहती हूँ मैं अभी से सारे काम क्लियर करके सुबह सबको टाइम दूँ। आगे हर कोई अपने अपने उठा ले, आके तेज मंगवाई है हमने ईद से पहले। ईद कर रहे हैं पटाखा, नीचे से फट गया। सुबह बखैर, आज सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चली हुई है, खूबसूरत मौसम बना हुआ है, और आज का दिन बता रहा है कि आज थोड़ा सा डिफरेंट दिन है। आज ईद उल फितर का दिन है और सुबह सुबह हम निकले हैं मौसम एंजॉय करने के लिए। माशाल्लाह क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ईद की नमाज पे जाने से पहले मीठा बहुत ही ज़रूरी है, और मीठा खाएंगे तो उसके बाद हम ईद के लिए जाएंगे। अब ये जगह कुछ ऐसी हो गई है, परिंदे हैं और यहाँ पर चारपाइयाँ होंगी, साथ में घड़ा, घड़ा यहाँ पर रखा जाता है मोस्टली। और आज ईद उल फितर का दिन है और सुबह सुबह मैंने तैयारी कर ली है इसीलिए कि आज ईद हम अपने गांव नहीं अदा कर रहे, आज एक खास जगह पर हम ईद अदा करने के लिए जा रहे हैं। और मैंने सोचा अब फुल सामने आना चाहिए, वैसे तो इंट्रो हमेशा ही करता हूँ फुल, इसीलिए कि भाई सुबह तैयारी श्यारी की है तो आपको तो दिखानी है लाजमी। सबसे पहले मैंने तैयारी की है, माँ जी को दिखाया है, और उसके बाद अपनी पूरी फैमिली को। ईद की मुबारक मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा, कहते हैं कि ईद की नमाज के बाद जो है वो मुबारक देते हैं, तो मैं ईद पढ़ के आता हूँ और उसके बाद ईद मिलते हैं। और फिलहाल चलते हैं हम ईद की नमाज के लिए। नीचे से ऊपर की तरफ की मेरी बंद घड़ी भी दिखा, बंद घड़ी में इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ डिस्प्ले के लिए है, क्योंकि कल एक अंकल ने मेरे से टाइम पूछा और मैंने मोबाइल निकाला, वो कहते आपके पास घड़ी नहीं है, मैंने कहा ये बंद है सिर्फ दिखाने के लिए रखी हुई है। सभी इंतजार कर रहे हैं बाहर, चलते हैं। आज सुबह से ही मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है, लेकिन अभी धूप निकल आई है और हवा वैसे ही ठंडी ठंडी चल रही है। कल हमने सारे घर की सफाइयाँ की थी, लेकिन रात को आंधी आई है और वो हमारी मेहनत ज़ाया गई। गुड मॉर्निंग, मैं आ जा वहाँ स्कूटर तो चलावने में। ईद कितने बजे होगी यहाँ पर? ईद थोड़ी सी देर है और अगा चलिए 7:30 बजे होनी थे। यहाँ पर मैं हमेशा ईद पढ़ा करता। आज हमारा इरादा था ईद पढ़ने का तुलुम्बा में, कहाँ पर तुलुम्बा में वो हम आपको पहुँच के बताएंगे, और चलते हैं वहीं पर। अगर वहाँ हमें मौका नहीं मिला तो फिर 7:30 बजे अपने गांव में पढ़ने का तो ज़रूर मौका मिलेगा। हम आए हैं तुलुम्बा सिटी और तुलुम्बा के चौक मामू शेर से गुजर रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं अब पेड़ के दस नहीं।
तो हम पहुंच आए हैं अपनी मंजिल पर जहां पर हमने आज ईद उल फितर की नमाज़ अदा करनी है। और बता ही देता हूं, वैसे इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा करवाया है। हम आगे हैं तुलुम्बा, तुलुम्बा में आगे मौलाना तारिक जमील साहब के गांव में, और आज ईद की नमाज़ हम उनके गांव में पढ़ेंगे, उनके घर पढ़ेंगे। अभी जो है देर है, हमें था कि शायद जल्दी हो जाएगी नमाज़, लेकिन यहाँ पर 9 बजे होनी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं और मोस्टली लोग रह जाते हैं। पहले थोड़ा सा विज़िट कर लेते हैं उनके घर का, बाहर से अंदर अभी जाना अलाउ नहीं है, जब टाइम होगा तभी अंदर जाना अलाउ हो। हमारे लिए एजाज़ की बात ये है कि वो हमारे गाँव से हैं, हमारे शहर से हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल रईसाबाद, रईसाबाद उनके गांव का नाम है। और अभी हम आगे चलते हैं, कुछ देखते हैं। सामने हमने बाइक्स पार्क की हैं, मोटरसाइकिल वगैरह इस साइड पे पार्क कर रहे हैं और काफ़ी बड़ी पार्किंग बनी हुई है। ये रहा मौलाना तारिक जमील साहब का गांव और सामने है उनकी मस्जिद। यहाँ पर हम कर रहे हैं इंतज़ार, जब तक टाइम नहीं होगा। एंटर हो गए हैं हम और सामने है वज़ू खाना, वज़ू करते हैं और उसके बाद फिर मस्जिद की तरफ जाएंगे। वज़ू हमने कर लिया है और अब जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। अपने जबान का बोल सही मां बहन की गाल न कर, अपन खोते भी गल ही करते हैं, कहीं मैं जिन्हों गल थोड़ी गां छट जा मारे तो ओरी मां बहन शुरू हो गई बेवकूफी की गल। चलो गुरु का नाम ईद मुबारक बोले। ये अब्दुल हादी है, आप ईद मुबारक बोले जोर से। अच्छा खैर मुबारक, ईद मुबारक मेरे भाई, ईद मुबारक, ईद मुबारक। एक दूसरे ने मिल लेने, चल चलिए घर। अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फितर की नमाज़ अदा हमने कर ली है और सबसे पहले मेरी तमाम YouTube फैमिली को बहुत बहुत ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हों। सबसे ज़्यादा मेरे साथ समंदर पार बैठे हुए मेरे फैमिली मेंबर्स जो ईदों पे वापस अपने घर नहीं आ सके, अपने प्यारों से नहीं मिल सके, उनको खसूसन बहुत ज़्यादा ईद की खुशियाँ मुबारक हों। और हम आपके साथ हैं, हमारी मोहब्बतें आपके साथ हैं और अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे खुश रखे। हमारे लिए ऑनर की बात कि अब की बार हमने ईद उल फितर जो है वो मौलाना तारिक जमील साहब के साथ पढ़ी है और बहुत दिल को सुकून मिला और बहुत अच्छा लगा। तो अभी जो है हम मौलाना साहब जो है वो मुलाकात नहीं कर सके, उनसे मुसाफा नहीं कर सके क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। आप वीडियो में भी देख रहे होंगे, उनसे बोला भी ठीक तरह से नहीं जा रहा था, तो उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से वो टाइम नहीं दे सके। इतना भी हमारे लिए बहुत है कि उनके पीछे हमने उनकी इमामत में हमने नमाज अदा कर ली है। तो अभी जो है हम घर की तरफ चलते हैं, ईद की बाकी जो खुशियाँ हैं वो बाँटते हैं। हम लॉन में खड़े हैं और सामने मौलाना साहब की मस्जिद है और इस साइड पर मदरसा की बिल्डिंग है जो कि माशाल्लाह काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है ये। जब हम आए हमें नहीं पता था सिक्योरिटी इशूज़ क्या होंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी कोई इशू नहीं है, आप पिक्चर्स बना सकते हैं, आप वीडियोस बना सकते हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसलिए मस्जिद के अहाते में बाहर की तरफ भी ये टेंट लगाए हुए हैं ताकि लोग आसानी से यहाँ पर नमाज अदा कर सकें, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अब तादाद भी काफ़ी ज़्यादा थी माशाल्लाह। इस साइड पे मौलाना साहब का घर है। वापस घर पहुंचे हैं और मौसम माशाल्लाह अच्छा बन गया हमारे आते ही। कैसे हैं आप लोग? यकीनन अच्छे होंगे, खा पी के सुकून कर रहे हैं।
प्यास बहुत लगी हुई है, आज तो इसी में ही पानी पीते हैं, नहीं गिलास नहीं जाना चाहिए। ईद मुबारक। घर में कोई नज़र ही नहीं आ रहा मुझे। मौलाना साहब की इमामत में नमाज अदा करके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला है, और मेरे वो गांव के हैं लेकिन फिर भी मैं पहली बार उनके पीछे जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए गया हूँ, क्योंकि कभी मौका ही नहीं मिला और बहुत अच्छा लगा। और आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, और बाकी की रूटीन जो है वो मैं दूसरे व्लॉग में शेयर करूंगा, क्योंकि बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे मेरे आने का। और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।